सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और कहीं ना कहीं आप सभी लोग जुड़ चुके होंगे, और अभी भी जो नहीं जुड़ पाए हैं सभी जुड़ने का पूरा प्रयास कर रहे होंगे। जी हाँ, तो थोड़ा सा आप सभी लोग एक बार अपने अपने ग्रुप में मैसेज ज़रूर कर दीजिए कि क्लास आपकी चल चुकी है, आप सभी लोग ज्वाइन होने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो प्लान है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जहां से हम सभी लोग बहुत सी चीज़ों को सीखेंगे भी और आगे प्लान भी करेंगे, क्योंकि बिना प्लान के हम सभी लोग जानते हैं कि कार्य नहीं आगे होने वाला। हम सभी लोग, जी हाँ, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और जानते हैं जैसा सर्द का मौसम भी है बहुत ज़्यादा, तो चलिए नए टॉपिक से आज शुरुआत फिर से करते हैं हम सभी लोग। और आप सभी लोग क्या करेंगे, अपने अपने ग्रुप में एक बार फिर से मैसेज कर देंगे। जो व्यक्ति अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो सभी लोग जुड़ने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही, जी हाँ, बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और आप लोग बताने का भी प्रयास करेंगे क्या कैमरा सही है सेटिंग आप लोगों के लिए, कैमरे की सेटिंग सही है आज। जी हाँ, चलिए, शुरुआत करते हैं सिर पैर पर आधारित प्रश्न। सिर पैर पर आधारित प्रश्न होता क्या है कि ईश्वर ने जो है सिर सभी को एक एक दिया है, ठीक है, और पैर जो है किसी को दो दिया है और किसी को चार दिया है। क्लियर ना, पैर किसी को दो दिया है और किसी को चार दिया है, ठीक, इस चीज का सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां ध्यान रखेंगे हम लोग, होता क्या है कि जो सिर होते हैं सभी को एक होते हैं, और पैर किसी को दो होता है, किसी को क्या होता है, चार होता है। क्लियर, तो यहाँ पे यही चीज हम लोगों को समझना है, ठीक। तो चलिए एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम सभी लोग समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, किसी मैदान में, हाँ थोड़ा स्वास्थ्य डाउन है आज, किसी मैदान में कुछ चरवाहे गाय चरा रहे हैं, किसी मैदान में कुछ चरवाहे गाय चरा रहे हैं, यदि पैर की संख्या 220 हो, यदि पैर की संख्या 220 हो तथा सिरों की संख्या 63 हो, सिरों की संख्या 63 हो, तो उस मैदान में कितने गाय हैं और कितने चरवाहे हैं, उस मैदान में कितने गाय हैं कितने चरवाहे हैं। चलिए पूरा प्रयास करते हैं सभी लोग एक बार पुनः। तो देखिए, सबसे पहला काम हमको करना है, मैं बेसिक मेथड से नहीं आपको जानकारी दूंगा, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा ताकि आप सभी लोगों को डायरेक्ट आपका उत्तर आ सके। तो यहां ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पैर, क्या लिखेंगे, पैर, और फिर लिखेंगे सिर, और फिर लिखेंगे चार पैर वाला, और फिर लिखेंगे दो पैर वाला। यहां ध्यान समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, हमारे पास पैर कितने दिए हुए हैं हम लोगों को, 220, ध्यान समझने की जरूरत है। और यहां पर जो है एक जानवर है और एक आदमी है, यानी चरवाहा है, तो दो तरह के यहां पर है प्रजातियां, तो इसी के बटे दो कर दीजिए, पैर दिया है 220, इसी के बटे दो कर दीजिए, यहां पर कितना आ गया 110।
अब यहीं पर ही सारा खेल है, यहीं पर ही आपके सारे उत्तर हैं। ठीक, अब यहां से ही हम सभी लोगों को समझने की जरूरत है। और सिर कितना दिया हुआ है? 63 सिर दिया हुआ है। सारी व्यवस्थाएं आपके पास है। हमारे पास पैर 220 था, दो प्रजातियां थी, इसने दो से भाग दे दिया, 110 आ गया, और सिरों की संख्या दिया है 63। इसको इसमें से घटा दीजिए, इसको क्या करिए, इसमें से घटा दीजिए। तो जी हां, जब आप इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, ध्यान से समझने की जरूरत करिए। तो यहां देखिए, इसको घटा दीजिए, ये 7 आ गया और यहां 4 आ गया, 47 आ गया। अब क्या करिए, इस 47 को 63 में से घटा दीजिए, ध्यान समझिएगा, इस 47 को 63 में से घटाइए, तो यहां कितना आ गया, 16 आ गया। यानी चार पैर वाला जानवर 47 है और दो पैर वाला 16 है। तो चार पैर वाला वहां पर कौन है भाई, तो वहां पर गाय है, यानी गाय की संख्या 47 हो गई। और दो पैर वाला कौन है भाई, वहां चरवाहा है, चरवाहा यानी मनुष्य ही कह सकते हैं। ठीक, तो चरवाहा की संख्या कितनी हो गई, 16 हो गई। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है आप लोगों को, ये देखने का पूरा प्रयास करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सचिन यादव, मैं रिया। ठीक है, यानी यहां पर पैर जितना है 220 है, हमेशा इसमें दो से भाग दीजिए 110, और सिर जो दिया है इस 63 को 110 में से घटा दीजिए 47, 47 को 63 में से घटा दीजिए 16। अगला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए। क्लियर है नहीं क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करते हैं हम सभी लोग। क्वेश्चन लिखिए, किसी मैदान में कुछ खरगोश और बत्तख खेल रहे हैं, किसी मैदान में कुछ खरगोश और बत्तख खेल रहे हैं, यदि सिरों की संख्या 36 हो, यदि सिरों की संख्या 36 हो, और जी हां सिरों की संख्या 36 हो और पैरों की संख्या, जी हां और पैरों की संख्या 130 हो, तो कितने खरगोश हैं और कितने बत्तख हैं। ज्ञात करें, चलिए सभी लोग निकालने पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक, आशीर्वाद है भैया, खुश रहे। तो यहां देखिए, पैरों की संख्या कितना दिया है, 130, 130 में आप दो से भाग दे दीजिए 65 आ गया। सिरों की संख्या कितना है भाई साहब, 36 है, इसको इसमें से घटा दिया जाए तो घटा दीजिए कितना आपका आ गया भाई, 29 आ गया। इसको इसमें से घटा दो कितना आ गया, 7 आ गया। यानी चार पैर वाला कौन है, तो हमको पता चलता है कि चार पैर वाला हमारे पास कौन है, तो खरगोश है। खरगोश के कितने होते हैं, चार पैर, तो खरगोश इसमें कुल कितने हैं, 29। दो पैर वाला कितना है, 7, तो दो पैर वहां कौन है, बत्तख।
अब आपके एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दें तो कभी भी किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्द से जल्द बताने का पूरा प्रयास करेंगे, सभी लोग पूरा बताने का प्रयास करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? चलिए एक क्वेश्चन इसी का एक अलग लेवल पे करा दें। ये सभी को क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, गुड। दवा दे दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसी में सबसे अलग लेवल का क्वेश्चन आता है, उसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे हम सभी लोग। सभी लोग ध्यान समझेंगे, उसको पूरा समझने का पूरा प्रयास करेंगे। लिखिए, किसी मैदान में जितने घोड़े हैं उतने आदमी हैं। किसी मैदान में जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी हैं। यदि, जी हां, किसी मैदान में जितने घोड़े हैं उतने आदमी हैं। यदि आधे आदमी, जी हां, यदि आधे आदमी घोड़े पर बैठ जाए और जमीन पर पैरों की कुल संख्या, और जमीन पर पैरों की कुल संख्या एक सौ बीस हो तो कितने आदमी हैं, कितने आदमी हैं और कितने घोड़े हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं सभी लोग, यहां पे समझने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग कैसे लगाएंगे, मुझे पता है आप लोग बेसिक मेथड पर जाएंगे तो लंबा समय लग जाएगा, ठीक है? किसी किसी का आ सकता है, मुझे लगता है, तो देखते हैं सभी लोग पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया, लगाने का सभी का प्रयास जारी है, तो काफी समय लग जा रहा है, ऐसे समय जो है टाइम टेकन हो जा रहा है। एकदम ध्यान समझने की जरूरत है, मैं आप लोगों को बताने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करते हैं इसको समझाने का, क्योंकि टाइम टिकन ले रहा है। अब मैं जो चीज समझाना चाहता हूं समझने का प्रयास करेंगे। अगर मान लीजिए एक घोड़ा है, इसके ये चार पैर है, ठीक है, ये चार पैर है और ये एक आदमी है, ये एक आदमी है, इसके दो पैर है। ध्यान समझने की जरूरत है, मैं यहां पर जो चीज समझाना चाहता हूं, भाई जितना घोड़ा है उतना आदमी है। ध्यान समझ, जितना घोड़ा है उतना आदमी है। आधा आदमी जो है घोड़े पर मान लो चढ़ जाए, अभी हम एक आदमी की बात कर रहे हैं, आधा आदमी, तो भाई इसका एक पैर ऊपर चढ़ गया घोड़े पे, ये चढ़ गया अपना ऐसे, यहां खड़ा हुआ ऐसे, एक पैर इसके ऊपर रख दिया और एक पैर अपना ऐसे नीचे रखा, एक पैर, क्लियर? अब समझेंगे तो ये बताइए जमीन पर पैर कितना है। तो एक पैर इसका है और चार पैर जानवर का है, तो कुल कितना पैर हो गया आपका? तो पांच पैर हो गया। कितना हो गया आपका? पांच पैर हो गया, जो कि कहां पर है आपका? जी हां, जमीन पर, क्लियर? अब इसका उत्तर यहीं पर रखा है, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना तो एक्स मानना है, ना वाई मानना है, ना टू का गुणा करना है, ना फोर का, ना सिक्स का। यहां पर डायरेक्ट पैर बटे पांच बराबर उत्तर। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना जमीन पर कितने पैर हैं, क्लियर है ना? तो यहां ध्यान दीजिए, पैर बटे पांच बराबर उत्तर 124 बटे पांच, यानी 24, यानी 24 घोड़ा है, ध्यान दीजिएगा, 24 घोड़ा है और 24 क्या है? आदमी भी है, ध्यान दीजिएगा, 24 घोड़ा है और 24 आदमी है। अगर कह दे कितने आदमी चल रहे हैं, तो भाई यहां पर क्या है, 12 आदमी चल रहे हैं पैदल, और 12 आदमी कहां है? ऊपर बैठे हैं घोड़े पर। क्वेश्चन पूछेगा कितने आदमी चल रहे हैं, तो 12 बता देना, कितने आदमी ऊपर बैठे हैं 12 बता देना, कुल कितने आदमी हैं 24, कुल कितने घोड़े हैं 24। कांसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया?
क्लियर। अब अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं भाई, 24 घोड़े हैं, 24 घोड़ों के चार चार पैर गुणा कर लीजिए आप, 24 में चार से गुणा करेंगे, 96 पैर नीचे हो गए। अब भाई 12 आदमी ऊपर हो गए तो 12 आदमी नीचे, तो 12 आदमी का दो दो पैर, 24 पैर नीचे हो गया, जोड़ दीजिए 120 पैर नीचे, कहीं कोई टेंशन नहीं। यानी इसका डायरेक्ट रूल क्या कहता है, हम लोग चैनल को सर्च करते हैं, कैसे सर्च करते हैं, बाई डी रूल, रोज हम लोग डालते हैं बाई डी रूल। और हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब किए हैं तो डेली मिल जाता है, डेली हम लोगों को रात में किसी के पास लिंक जाए या ना जाए, 8 बजे 8:30 बजे के आसपास, 8 बजे चाहे 8:30 बजे के आसपास आप सर्च करिए बाई डी रूल, कौन सा लेटेस्ट है वो खुद ही दिखाई देगा, अपकमिंग आने वाला है। कुछ लोग लिंक के लिए परेशान रहते हैं, सर लिंक नहीं मिला, आप विश्वास मानिए लाइव कम होंगे, लेकिन लाइव की बात मुझे पता है, जैसे लोग लाइब्रेरी में जाते हैं ना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखते हैं, कोई भी हो, हर बच्चा जानता है कि डायरेक्ट रूल का महत्व क्या है, बाई डी रूल का महत्व क्या है, कैसे हम लोग शॉर्टकट से लगा रहे हैं, उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप लोग पूरा प्रयास करेंगे एकदम आपका उत्तर आना चाहिए। लिखिए क्वेश्चन, किसी मैदान में कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी पर डायरेक्ट पैर बोल देते तो तुरंत उत्तर बैठ जाता, तो ठीक है भैया, किसी मैदान में जितने घोड़े हैं उतने आदमी हैं, यदि आधे आदमी घोड़े पर बैठ जाए तो जमीन पर पैरों की संख्या 80 है, जमीन पर पैरों की संख्या 80 है, तो कितने आदमी पैदल चल रहे हैं और कितने घोड़े हैं, जल्दी से गजब, बहुत बढ़िया, कौन 40 आदमी बता रहा है, नीरज यादव, बहुत जबरदस्त, रिया जी, यानी यहां 80/5 16 घोड़ा है और 16 क्या है आदमी है, और जिसमें क्या है 8 जो है ऊपर बैठे हैं आराम ले रहे हैं, और 8 क्या है पैदल, ध्यान समझेंगे, 8 लोग ऊपर हैं, 8 लोग क्या है पैदल, क्लियर नहीं क्लियर, इस चीज को सभी लोग ध्यान देंगे, 8 लोग पैदल, तो पूछ दिया कितने पैदल चल रहे हैं, 8 बता दीजिए, कितने आदमी हैं 16 बताइए, कितने घोड़े हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, नेक्स्ट टाइप कॉन्सेप्ट क्लियर, सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक सबसे जो क्वेश्चन पूछता है लोगों से, भाज्य संख्या कितने हैं, भाज्य संख्या कैसे हम लोग निकालने का पूरा प्रयास करेंगे कि भाज्य संख्या कितने हैं, क्लियर है, हाँ ठीक है भैया, सचिन यादव जी बहुत बढ़िया, ध्यान देंगे। अब भाज्य संख्या, जैसे कोई कह दिया 120 के कितने भाज्य संख्या है, या 120 कितनी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, अब ऐसी सिचुएशन में हम और आप क्या करें, 120 कितनी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी या 120 के कितने भाज्य संख्याएं हैं, ऐसी सिचुएशन में हम सभी लोग समझने के प्रयास करते हैं, ठीक। तो यहां से ध्यान समझे, इसको लगाने के लिए दो तरीके हैं, ध्यान समझेंगे, इस 120 को हम चाहे तो 1 × 120 भी लिख सकते हैं, पहले हम बेसिक्स बता रहे हैं, और चाहे तो 2 × 60 लिख सकते हैं, 3 × 40 लिख सकते हैं, 4 × 30 भी लिख सकते हैं, 5 × 24 लिख सकते हैं, 6 × 20 भी लिख सकते हैं, 8 × 15 भी लिख सकते हैं, 10 × 12 लिख सकते हैं, अब इसके अलावा नहीं लिख सकते, यानी ये संख्या 120 जो है 1 से भी विभाजित होगी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 10 से भी, और 12 से भी विभाजित होगी, 15 से भी, 20 से भी, 24 से भी, 30 से भी, 40 से भी, 60 से भी, और 120 से, यानी अगर हम समझे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या इधर है और 8 संख्या इधर है, यानी ये कुल जो है 120 के जो है कुल 16 भाज्य है,
टोटल ये 16 संख्याओं से भाज्य हो जाएगा या 16 संख्याओं से विभाजित हो जाएगी या 16 संख्याओं से खंडित हो जाएगा या कट जाएगा। क्लियर? तो इसमें क्या होता है कि हम सभी लोग ध्यान समझेंगे, ठीक है? तो हम सभी लोग ध्यान देते हैं कि सर इसमें तो समय बहुत ज्यादा लग गया। जी हाँ, इसमें समय बहुत ज्यादा लग रहा है सर, एक आध मिसमैच हो गया तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, हम एक नया तरीका आपको देते हैं, डायरेक्ट देते हैं, जिससे हम सभी लोग पूरा प्रयास करेंगे। क्लियर? तो ये भी मेथड एक है, एक और मेथड में देने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है? तो चलिए ध्यान देते हैं। तो 120 पहले लिखिए, 120 को छोटी छोटी संख्याओं से काटिए। तो सबसे पहले 2 से 60, 2 से 30, फिर 2 से 15। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से काटिए, 3 5 और ये 5, अब किसी से नहीं कटेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 है ये कितनी बार है, इसके घातांक पर 3 है, और ये 3 कितनी बार है, एक बार कर दिया, और ये 5 कितनी बार है आपका घातांक पर, 1 है। ध्यान से समझेंगे तुरंत उत्तर आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? ठीक, तो ध्यान देंगे सभी लोग, क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक, ध्यान देंगे। अब क्या हुआ, सभी के घातांक में एक जोड़िए और टक्कर करा दीजिए। ये 3 है इसमें एक जोड़िए, कितना हो गया 4, ये घातांक पर 1 है इसमें एक जोड़िए 2, ये घातांक 1 है इसमें जोड़िए 1 2, तो 4 × 8 × 16, यानी 16 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 120 को विभाजित कर देंगी या इसको काट देंगी। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है, सभी लोग बताने का प्रयास करें कमेंट में, सभी लोग क्लियर हैं कि नहीं क्लियर हैं, जल्द से जल्द बताने का पूरा प्रयास करें सभी लोग। क्लियर? यानी 120 को हम काटते चले आएंगे, पहले 2 से काटेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर ऐसे ही काटते हुए 7 से, फिर पता चला 11 से, ऐसे ही सभी संख्याओं से काटते हुए हम सभी लोगों को चलते रहना है। क्लियर है? तो चलिए सभी लोग क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है कमेंट में बताने का पूरा प्रयास करेंगे, और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी से मुझे उत्तर चाहिए। जी हाँ भैया, अब मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं, 180 के कितने भाज्य हैं, निकालिए भैया 180 के कितने भाज्य हैं, 180 के कितने भाज्य हैं। गुजरात से सर प्रणाम, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से बच्चों को तो अभी क्लियर ही नहीं है कि सर लाइव क्लास चल रहा है, कि कोई बात नहीं, एक सौ अस्सी के कितने भाज्य हैं। बहुत बढ़िया, क्लियर है? सभी लोग उत्तर तो बहुत लोगों का आया है, देखते हैं। 180 है, 2 से काटिए, यहां पर हो गया 90, फिर 2 से काटिए 45, 3 से काटिए यहां 15, फिर 3 से काटिए 5 और ये 5, 2 के घाते 2, 3 के घाते 2, 5 के घाते 1, इसमें एक जोड़िए 3,
इसमें एक जोड़िए तीन, एक इसमें जोड़िए दो, तीन त्रिका नौ दुनी 18, यानी 180 को कुल 18 संख्याएं ऐसी हैं जो विभाजित कर देंगी। कंफर्म है सभी लोग? क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, आप लोग आगे बताने का पूरा प्रयास करेंगे। 300 के कुल कितने विभाजित करने वाली संख्याएं हैं? 300 की सुजीत कुमार मुंबई, 300 के कुल कितने विभाजित हैं? तो सबसे पहला 300 लिखिए, 300 को 2 से भाग दीजिए 150, फिर भाग दीजिए 75। अब देखिए 3 से कटेगा, काटिए तो ये काटिए 25 आ गया, क्लियर है। फिर 5 से काटिए 5, फिर 5 से काटिए कट गया, यानी 2 के घाते 2, 3 के घाते 1, 5 के घाते 2। इसमें एक जोड़िए 3, इसमें एक में एक जोड़िए 2, और यहां भी एक जोड़िए तो 3। सभी के घातांकों में एक जोड़ करके मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6, ठीक है, और 6 त्रिके 18, यानी इसका भी उत्तर कितना आएगा? 18 ही आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, सभी लोग ध्यान समझेंगे, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करते हैं। इसी बीच क्या होता है, एक हम लोगों को बहुत परेशान करता है क्वेश्चन, ध्यान से सभी लोग समझने का पूरा प्रयास करेंगे, ध्यान देंगे सभी लोग। एक क्वेश्चन बहुत परेशान करता है हम लोगों को, जो कि नंबर सिस्टम में बहुत है तो बहुत आसान, लेकिन बहुत परेशान करता है, और बहुत से लोग उसको बहुत तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम आपको कुछ नए तरह से बताने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए यहां पर लिखा रहेगा 1/, फिर यहां पे प्लस 1/ 2×3 प्लस 3×4 .. 1/99×100। अगर हम सभी लोग ध्यान समझने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग जो है, या बहुत से ऐसे होते हैं जो लोग सीधे बता देते हैं कि सर कुछ मत करिए, ये जो डायरेक्ट जो नंबर दिया है, ध्यान समझेंगे आप सभी लोग, ये जो बहुत से लोग इसको बताने का प्रयास करते हैं कि सर ये जो डायरेक्ट नंबर दिया है लास्ट वाला, इसी को 99/100 कर दीजिए, इसका उत्तर यही होगा। जी हाँ, इसके लिए तो सही है, लेकिन अगर मान लीजिए यही 1×3 और 3×5, 5×7 ऐसे क्रमागत में रहा होता तो क्या करते हम लोग? तब तो वो नियम फेल हो जाता, तब ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते? क्लियर है? क्लियर। सोनू कुमार यादव जी, क्लास की गरिमा बनाए रखे हैं, नहीं तो अब यहीं से भी ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ, चैट खुला हुआ तो ये नहीं कि यहां पर मर्यादित ढंग से क्लास लें, अन्यथा ब्लॉक कर दिया जाएगा। चलिए यहां ध्यान, तो मैं एक ऐसा मेथड आपको बताना चाहता हूं जो कभी भी आपको मिसमैच नहीं करेगा, हमेशा लाइफ टाइम आपको काम आएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे ध्यान दीजिए, सबसे जैसे 1/1 सबसे छोटा नंबर ले लीजिए, 1/1 हमेशा माइनस होगा सबसे बड़ा हर 1/100 और इंटू 1/ सर्वांतर। यहां ध्यान दीजिएगा सर्वांतर, ध्यान दीजिए सर्वांतर क्या होता है, इसके इसके बीच का अंतर कितने का है? एक का अंतर, यहां भी एक का, यहां भी एक का, यहां भी एक का। फार्मूला समझिएगा, सबसे छोटा माइनस सबसे बड़ा, ना क्लियर, सबसे छोटा है और फिर माइनस सबसे बड़ा, ऐसे इसको अगर हम समझेंगे तो बहुत आसान रहेगा। इसी को अगर हम लोग समझने का पूरा प्रयास करें, किसी किसी किताब में अगर आप देखेंगे तो कहता है कि जो है बड़ा हर माइनस छोटा हर बटे बटे दोनों हर का गुणनफल, बात तो वही है। ठीक, अब हम इसको इसमें से घटाएंगे अगर, तो यहां तो 100 हो गया, अब यहां 100 - 1 और यहां सर्वांतर 1/1 पाई, क्योंकि यहां एक एक का अंतर है, तो यही हो गया 99/100 × 1 / 1/1,
यही बराबर कितना हो गया 99/100। यहां तो सही, बहुत बढ़िया है, नो डाउट, क्लियर। यहां तो बहुत बढ़िया है, नो डाउट, बहुत जबरदस्त है, क्लियर है। तो इस चीज का सभी ध्यान दें, क्लियर। तो आगे ध्यान समझे, यानी ये तो सूत्र हो गया छोटा माइनस बड़ा, और ये गुणते 1/सर्वांतर। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोगों को पूरा प्रयास करना है। ये शुरुआत एक से है और ट्रिक में लोग बता देंगे 99/100। अच्छा ये बताइए, यहां से शुरू रहा होता तो 1/3, यहां समझने का प्रयास करिए, 1/3 + 4 × 1/5, तब कितना उत्तर आता? तो ऐसी जगह पर वो साइलेंट हो जाते हैं, ऐसी जगह पर क्या होते हैं, लोग साइलेंट हो जाते हैं। अब यहां साइलेंट होने की जरूरत हमको नहीं है, हम मेथड सीखना चाहते हैं, हम आपको मेथड सिखाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। हम क्या कह रहे हैं, सबसे छोटा नंबर 1/3 करिए और सबसे बड़ा है 1/100, ये कर लीजिए, कहां दिक्कत है। यहां पर क्या हो गया, ध्यान समझने का पूरा प्रयास करेंगे, क्लियर नहीं क्लियर है, ठीक। तो इस हिसाब से इसको हम करेंगे तो कभी भी हम लोग फेल नहीं होंगे, क्लियर है ना। तो यहां ध्यान समझने का पूरा प्रयास करें, तो एक एक मैटर, तो यहां ध्यान दीजिए, तो यहां अगर हम समझे तो ये देखिए यहां पर 3/100 हो जाएगा और यहां 3। अब अगर हम इसको घटा दें तो ध्यान से समझेंगे, सर्वांतर तो 1/1 ही रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक। तो यहां पर ये कितना हो गया आपका 97/300, कितना हो गया 97/300। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, क्लियर। अब यहां पर सर्वांतर तो एक ही था, इसीलिए यहां पर हमने एक का ही मल्टीप्लाई किया। किसी को अगर कहीं भी समस्या हो तो इस चीज को समझने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं इसी को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं, अगर सर्वांतर एक ना होता तो क्या होता, समझने का पूरा प्रयास करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये चार हैं, हम किसका योग हो जाए, इसके बराबर क्या होगा। तो ध्यान से पहले चीजों को समझिए, पहले बेसिक चीजों को समझने का पूरा प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक। अगर हम देखिए, हम बेसिक से अगर समझाना चाहें तो बेसिक से भी लगा सकते हैं, हम अगर चाहें तो सभी में पूरे पक्ष में अगर हम चाहें तो 3 का गुणा और 3 का भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम 3 का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 1/3, अब ये देखिए 3/2 × 5 और +3/5 × 8। मैं पहले बेसिक से समझा रहा हूं, 3/8 × 11 +3/11 × 14, ठीक। इसको 1/3 ब्रैकेट में लिख सकते हैं, 1/2 − 1/5, आप सॉल्व करिए, 1/2 − 1/5 फिर आ जाएगा, क्लियर। इसको लिख सकते हैं 1/5 + −1/8 +1/8 − 1/11 +1/11 − 1/14। यहां ध्यान समझने का प्रयास करेंगे, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो बचा क्या 1/3 × 1/2 − 1/14। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 ब्रैकेट में यहां 14 लिख सकते हैं, तो यहां देखिए 7 − 1 ना, ठीक। यहां पर हो गया आपका 1/3 × 6/14, जो कटे तो काट दीजिए, यहां 2 और ये कट गया 1/7। बहुत लंबा चौड़ा चले गए हम लोग, जबरदस्त लंबा चौड़ा चले गए ना, बहुत ज्यादा, क्लियर है। तो चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, खुशी हुई, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक। तो चलिए बहुत बढ़िया, ये बहुत लंबा चला गया, लेकिन मैंने जो आपको मेथड सिखाया उसको अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो कभी भी आप फेल नहीं होंगे, डायरेक्ट तुरंत दान महाकल्याण। मैंने क्या कहा, मैंने कहा सबसे छोटा हर 1/2 - सबसे बड़ा हर 1/14, ये रहा, और गुणते 1/सर्वांतर,
सर्वांतर दो और पांच का अंतर, पांच और आठ का अंतर, आठ और ग्यारह का अंतर, ग्यारह और चौदह का समान अंतर, तुरंत हो गया काम आपका। ये देखिए इसको लिख सकते हैं 14/7 - 1 × 1/3। भाई देखिए 2 × 7 = 14, 14 × 14 यहां हो गया 6/14 × 3, क्लियर है, सॉरी गुणित्ते 1/3, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 2, 2 × 1 = 2 = 7। तो सबका अपना मेथड है, क्लियर। हमें आपको एग्जाम में विद्वान नहीं बनना है, हमें आपको एग्जाम में सही टिक लगाना है, क्लियर है, क्लियर है ना। फिर से ध्यान दीजिए, फिर से रिया जी ध्यान दो, सबसे छोटा नंबर कौन है, 1/2, क्लियर है, ठीक। आप ध्यान दीजिए, अगर और न समझ में आए जिसको, उसके लिए और बढ़िया व्यवस्था बना दे रहे हैं। अगर जिसको वैसे लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए और बता दे रहे हैं, जिसका दिमाग कम चलता है, क्योंकि विद्यार्थी कितने प्रकार के होते हैं बता सकते हैं कुछ लोग हमारे विद्यार्थी। देखिए भैया, जिसको और कम समझ में आए, कुछ नहीं करना, ऐसे लिख दो, सबसे बड़ा नंबर लिख दो 14 माइनस सबसे छोटा नंबर लिख दो और बटे 14/2 लिख दो, दोनों का टक्कर कर दो और बटा सर्वांतर यानी 2 और 5 में कितने का अंतर है, 3 का, 5 और 8 में 3 का, 8 और 11 3 का। अब तो क्लियर होगा, ये हो गया 12 और बटा यहाँ कितना हो गया 28/1/3, क्लियर, 3 से काट दीजिए, 3 × 1 = 3, ये हो गया 4, 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28, 1/7। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो फंसना नहीं है, हमको फंसाना है, क्वेश्चन को करके आना है, क्लियर है ना, क्लियर हुआ सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, तीन गुणित्ते 5, 5 × 7, 7 × 9, 9 × 11 डॉट 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 या और लिख दे रहे हैं कोई बात नहीं, प्लस 1, 11 × 13 प्लस 13 × 1/15। अब कितना उत्तर आएगा जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। सुजीत प्रजाप यदुवंशी, अपने अपने कोचिंग में भी आप लोग जो है क्लास में भी भेज दिया करिए लिंक। अच्छा, आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये चैनल मोनेटाइज होने में मात्र 20-25 और सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है। आप लोग चाहेंगे तो ये कल ही हो जाएगा मोनेटाइज चैनल, ठीक है, अभी आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। चल आया, चल ध्यान देते हैं। फिर से देखो, यहां देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है 15 माइनस सबसे छोटा नंबर कौन है 3/15 × 3 दोनों का, ठीक है, और गुणित्ते 1/सर्वांतर, सर्वांतर कितने का है 3 और 5 में, अंतर कितने का है 2 का है, भाई 5 और 7 में भी 2 का है, 7 और 9 में भी 2 का है, क्लियर है। तो यहां देखते हैं, ये हो गया आपका 12, देखिए आपका हो गया 12 हो गया ना भैया, और यहां कितना हो गया 15 × 3 और 1/2, मुझे लगता है 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 और 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी इसका उत्तर 2/15। सभी को क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, सभी को क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया,
सभी लोग कमेंट बताने का प्रयास करेंगे, क्या सभी लोग क्लियर हैं? चल क्लियर, ठीक। तो इस प्रकार से हम सभी लोगों को कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सभी लोग एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे चलने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक बटा दो गुणित सात प्लस एक बटा सात गुणित बारह डॉट 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 एक बटा एक सौ दो, जी हाँ एक सौ दो गुणित एक सौ सात का मान क्या होगा, का मान क्या होगा? चलिए बताने का प्रयास करेंगे। एक बटा दो गुणित सात प्लस एक बटा सात गुणित बारह डॉट 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 एक सौ दो, एक बटा एक सौ दो गुणित एक सौ सात का मान क्या होगा? ठीक है, ओके, वाह भाई वाह, कैरियर कोचिंग से है सर, 10 सब्सक्राइब कल बढ़ जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये होता है। चलो ये आगे बढ़ते हैं सभी लोग। तो देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 107 माइनस सबसे छोटा कर दो और फिर दोनों का टक्कर करा दो, 107 गुणित एक, ठीक, और फिर क्या करना है, गुणित एक बटा पांच। देखो कितना अच्छा रास्ता है हमारे पास ना, एक बटा क्या है आपका, ध्यान समझो आप लोग, पांच क्यों हुआ, क्योंकि दो और सात का अंतर, सात और बारह का अंतर पांच हुआ, क्लियर है नहीं क्लियर है, ठीक है। तो इस चीज को सभी लोग ध्यान दे रहे हैं, तो यहां से अगर हम लोग समझे तो ये हो गया आपका 105 बटे, यहां ध्यान दीजिए दो से गुणा कर रहा हूं मैं, ठीक, या भी रोके रहा हूं जैसा आप लोग कहे कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां ध्यान दीजिए अगर हम गुणा कर दे 214 गुणित एक बटा पांच, पांच इक्का पांच, पांच दूना पांच, यानी 21 बटा 214 इसका राइट आंसर आने वाला है, कितना, 21 बटा 214। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जी हाँ 100% क्लियर होगा, और अब इतना ज्यादा क्लियरेंस, जी हाँ सर जी, क्वेश्चन में कोई नहीं है फिर भी, क्या कहना चाहते हैं धीरज मौर्या जी? चलिए कुछ कहना चाहते होंगे, चलिए ठीक है आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करते हैं। यानी इतने प्रकार से हम सभी लोगों ने इसको आज पढ़ने का पूरा प्रयास किया, ठीक है। तो इस चीज़ का सभी लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आप लोग चाहेंगे, जी हाँ, तो इसी प्रकार से है, ठीक। अच्छा भैया माइनस नहीं है फिर माइनस क्यों हो रहा है, क्या बात है, माइनस नहीं है फिर माइनस क्यों हो रहा है, ये भी इनका बात तो जबरदस्त है, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है, समझा रहा है, इनके कहने का सस्पेंस समझो, ये क्यों हुआ, ये यहां पर पांच, यहां माइनस क्यों हुआ, माइनस तो कहीं शब्द का नाम ही नहीं ले रहा। अगर हम ध्यान से समझे भैया, तो ये तो खैर हम आपको ट्रिक से समझा दिए हैं, क्योंकि अभी तो समय नहीं है यूपीपी का, अगर आपको बेसिकली समझना है तो ठीक है, इसी का आप चले जाएंगे तो चैनल पे कहीं ना कहीं पुराना भी वीडियो पड़ा होगा नंबर सिस्टम में, ऐसे इसको मैंने बताने का पूरा बहुत डीप में बताया है, ये क्यों होता है, ठीक। तो इसको परेशान नहीं होना है लोगों को,
जैसे यहाँ ध्यान से आपको मैं समझा रहा हूँ, एक बटा छह है ना, इसको क्या हम एक बटा दो गुणित तीन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और अगर इसको हम तोड़ना चाहे ना तो एक बटा दो और माइनस एक बटा तीन लिखेंगे। चाहे एक बटा छह को एक बटा दो गुणित छह लिखो, चाहे एक बटा दो माइनस, तो भी वही उत्तर आएगा। न विश्वास चेक कर लीजिए, ये देखिए छह हो गया और दो तिहाई हो गया और तीन दूनी एक बटा छह। समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है? यानी ये जो सात बटा बारह है, ये जो सब है वहां माइनस इसीलिए किया गया। देखो यहां भी माइनस किया गया ना, कहीं है नहीं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करते हैं हम लोग। इसी तरह से सिस्टम में हम सभी लोगों को बेहतर करना है, क्लियर है। अगर आप लोग प्लान बनाए, जी हाँ, अगर आप लोग प्लान बनाए तो रीजनिंग का भी जो है हम लोग प्लान कर सकते हैं कि रीजनिंग भी टाइम टू टाइम हमारे आपका रीजनिंग भी चलना चाहिए, क्लियर है। तो रीजनिंग के लिए आप लोग जो बताइए समय, क्योंकि अभी क्या है मैथ, तो मान लीजिए आप लोगों को मैं मैथ के लिए मान लीजिए आपको 8:30 से एक घंटा के आसपास मान लीजिए हो जा रहा है, ठीक। लेकिन रीजनिंग के लिए भी आपका टाइम होना चाहिए, क्लियर है, ठीक। तो रीजनिंग के लिए कैसे हम सभी लोग करेंगे इसको देखना है, ठीक। तो आप लोग टाइम लिख करके सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे कितने बजे आप लोग चाहते हैं, रात में ही चाहते हैं या मॉर्निंग में चाहते हैं, तो वो व्यवस्था भी आपको कर दी जाएगी, ठीक। तो जैसा आप लोग कहेंगे, अगर सभी लोग तैयार होंगे तो सुबह 6 बजे से चल जाएगा, ठीक है, 6 से 7 आपकी चल जाएगी, क्लियर है। रीजनिंग का बैच चल जाएगा, ठीक। और अगर आप लोग मैथ कहेंगे तो मैथ तो अपने टाइम पे चल ही रहा है, या अगर आप लोग कहेंगे तो 8 से यहाँ पर आपका जो है 9:30 और फिर आधे घंटे का थोड़ा सा गैप कर लिया जाए, आप लोग को भी खाना पीना खाना रहता होगा, या तो फिर आप 10 बजे से आप चालू कर दीजिए इसको, 10 बजे से आपका 10:40-45 तक कर लीजिए इसको भाई, ये कर सकते हैं हम लोग रीजनिंग को। तो जैसा आप लोग कहेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं आपत्ति है। कुल मिलाकर के हमारे आपकी क्या है, हमारा बस यही इच्छा है सकती है कि आप लोगों का क्या अधिक से अधिक जॉब होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। सत्यम तिवारी जी का कहना है सर इसी टाइम चले तो ठीक है, और चलिए सभी लोग अपना अपना रिव्यू भी दे देंगे अभी बहुत से लोग, ठीक है। चलिए तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि सुबह से रेडियो की तरफ बजना चालू करते हैं और पूरा दिन, जानते हैं आप सभी लोग, ठीक है। तो कोई बात नहीं, काम है करना है, हम सभी लोगों को करना है, ठीक। चलिए ध्यान समझते हैं। एक आता है क्वेश्चन इकाई अंक ज्ञात करना, क्वेश्चन लिखेंगे इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, इसमें ध्यान समझेंगे हम लोग, इसमें जो है 2-3 तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे मेथड से आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे, एक एक टाइप को बताने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक, कैसे आते हैं। तो पहला टाइप है इसमें, नंबर एक टाइप है, जैसे यहाँ देखिए 23 × 36 × 42 × 56 × 78 × 77 × 83 × 37 का इकाई अंक क्या होगा। तो कुछ मत करिए, सभी की इकाई अंक से गुणा करिए, यहाँ 3 है यहाँ 6, 3 × 6 = 18, यहाँ 8 ले लीजिए, अब 8 × 16 यहाँ 6 ले लीजिए इकाई अंक, 6 × 6 = 36, 6 ले लीजिए, 6 × 8 = 48, 8 ले लीजिए, 8 × 7 = 56, 6 ले लीजिए, ठीक है ना। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, फिर यहाँ समझिए 6 × 18 = 8, फिर 8 × 7 = 56, जो अंत वाला आ गया वही इकाई अंक होगा। इसका अंक क्या होगा, इकाई अंक 6 होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा आपका, 6 होगा। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी हो तो बताने का पूरा प्रयास करेंगे, सभी के इकाई अंक से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, जो अंक मिल जाएगा लास्ट में वही। जैसे देखिए 3 × 6 = 18 8 × 16 = 6 6 × 36 = 6 फिर 6 × 8 = 48 8 × 56 = 6 6 × 18 = 8 8 × 56 = 6 हासिल आ गया, ठीक। यानी इकाई अंक पे लास्ट में क्या आ गया हमारा, 6 आ गया, क्लियर है ना। किसी को कोई परेशानी या कोई दिक्कत, कभी भी कोई समस्या नहीं होना है। और कभी कभी मान लीजिए यहाँ पर अगर लिख दिया
जैसे यहां समझने का पूरा प्रयास करेंगे, यहां तो 56 आ गया, अगर इसी में लिख दिया माइनस, जी हाँ माइनस 137। अब आपको घटाना है 137। अब बताइए हमारा इकाई अंक कितना आया, 6, और माइनस कितना करना है 137, हमारा 6 आया है, और इसमें इकाई अंक कितना माइनस करना है हमको, 37 लिखना है। तो कभी परेशान होने की जरूरत मत करिएगा, हमको इकाई अंक से मतलब है, केवल इकाई अंक से मतलब है, तो इससे हमको मतलब नहीं है। और यहां पर अब 6 में से 7 भी नहीं जाएगा, तो यहां पर कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, इस सबसे कोई मतलब नहीं, केवल इकाई अंक को पकड़िए 7, और यहां पर कुछ भी एक लिख दीजिए, 16 में से 7 गया कितना आ गया 9, इकाई अंक 9। अगर मन करे 2 लिख दीजिए आप, तो 26 में से 7 गए 19, 24 में 9। यहां मन करे 4 लिख दीजिए, 46 में से 7 गए 39, इकाई अंक 9। कॉन्सेप्ट क्लियर रख रही, ये नहीं इधर कम है, इकाई अंक केवल 6 आया है और 137 का इसे घटाए, नहीं करना है परेशान हम लोगों को, क्लियर है। जिसको ना समझ में आए, अब जैसे किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि 6 में से 137 कैसे घटाएं, तो इस 137 को ही यहां लिख दीजिए 137, ये हो गया 1376। अब 1376 में से 137 घटा लीजिए, जो इकाई अंक बचा वही उतार लीजिए, तो भी परेशानी नहीं है, क्लियर है नहीं क्लियर है। ठीक, इस तरह से हम सभी लोग इसको क्लियर करेंगे। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी बातें फिर हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए आप सभी लोग। ठीक, तो धन्यवाद, फिर कल हमारी आपकी मुलाकात होगी, इसी टॉपिक से आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल, कृपया आप सभी लोग मेहनत करें, बेस्ट आप लोग, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।